हेलो एवरीवन, तो अभी मैं आपके सामने कुछ स्पेलिंग एरर, ऐसे स्पेलिंग एरर्स जो बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं, उनको डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन है जो मैंने इंस्टीट्यूट में बच्चों से टेस्ट लेते रहता हूँ स्टूडेंट से। ठीक है, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। ठीक है, और आपको अगर नहीं आता तो फिर आपको भी आप भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इस पर आंसर की भी मार्क कर दी कि आंसर क्या होंगे इसके। ठीक है, तो इनको आप भी ट्राई कीजिए। ठीक है, जैसे अचीव लिखा हुआ है तो अचीव की स्पेलिंग क्या है, ये बी ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी स्पेलिंग से याद करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद खुद से ट्राई कीजिएगा। तो ये आपके लिए इस तरीके से मैंने प्रोवाइड किया ताकि आप भी जज कर सकें, आप भी पहले से सीख सकें। इससे आपकी इंग्लिश इंप्रूवमेंट होगी, इंग्लिश इंप्रूव होगी तो आप चाहे किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, 9th 10th, वहाँ पर आप अच्छा लिखेंगे। आप राइटिंग स्किल अच्छी होगी तो मार्क्स भी अच्छे आएंगे, स्पेलिंग से गलत नहीं होंगे तो। ठीक है, या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे वो SSC का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे पॉलिटेक्निक का हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, स्पेलिंग एरर के क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अचीव पहला हो गया, देख लिया आपने। दूसरा अक्रॉस सी ऑप्शन होगा। तीसरा आर्गूमेंट बी ऑप्शन है ना, स्पेलिंग तो आप देख रहे हैं ना। हाँ, स्पेलिंग मैं नहीं पढ़ रहा, आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको नज़र क्लियर भी दिख भी रहा होगा बिगनिंग में। ठीक है, बिगनिंग में ध्यान क्या रखना होता है कि NN आता है, NNING है ना। चॉफर सुना होगा ना आपने, CHAUFFER चॉफर। उसके बाद कलिग यानी सहपाठी या सहकर्मी जो होता है, जो साथ में काम करता है। ठीक है, उसके बाद डेफिनेटली की भी स्पेलिंग बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, ए ऑप्शन लगा देते हैं, बट ए नहीं होता, बी ऑप्शन होगा। ठीक है, और उसके बाद आगे भी देखते जाइए इस तरीके से 7th 8th। ठीक है, सवार सारे ऑप्शन मार्क कर रखे पहले से। ठीक है, फ़ारेनहाइट की भी स्पेलिंग बच्चे गलत करते हैं, तो उसका भी ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, ग्लैमरस, फैमिलियर में भी बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, फैमिलियर में लास्ट में AR आता है, IAR, आप लोग ER लगा देते हैं। ठीक है, ग्लैमरस की स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा। हरासमेंट में SS आता है, SR आता है, ध्यान रखना बच्चे बहुत गलत जो क्या करते हैं वो RR लगाते हैं। इंडिपेंडेंट, अटेंडेंस, ये स्पेलिंग बहुत ज़्यादा गलत की जाती है, अटेंडेंस में DE लगा देते हैं लोग, DE नहीं होता। ठीक है, देखो पहला ऑप्शन में DE दे रखा था, वो नहीं है, बी ऑप्शन होगा, DANCE। ठीक है, उसके बाद नेसेसरी, ये तो आता होगा आप लोगों को। पवेलियन सुना होगा ना अपने, क्रिकेट मैच वाला पवेलियन। हाँ, तो PAVILION होता है, SL नहीं होता। ठीक है, उसके बाद प्रोनाउंसिएशन, ये बहुत ज़्यादा बच्चे गलत करते हैं, क्योंकि इसका बच्चे पढ़ते ही गलत है, प्रोनाउंसिएशन पढ़ते हैं और प्रोनाउंसिएशन हो जाता है गलत, तो ए ऑप्शन लगा देते हैं, लेकिन गलत होता है। प्रोनाउंसिएशन होता है PRONUN, ठीक है, CIATION प्रोनाउंसिएशन होता है। पोर्टुगीज यानी पुर्तगाली लोग जिसे बोलते हैं, पुर्तगाली, ठीक है, पोर्टुगीज स्पेलिंग। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, मिसलेनियस का स्पेलिंग भी ध्यान रखिएगा, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। टुमारो की स्पेलिंग बहुत ज़्यादा गलत की जाती है, टुमारो में लोग SM लगा देते हैं, पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, खुद भी लिखना होता है तो, लेकिन SM होता है, RR होता है। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, ये तो पता होगा। डिसिप्लिन, सिमेट्री कब को बोलते हैं, बलून का भी बहुत सारे स्टूडेंट गलत करते हैं, BALLOON होता है। ठीक है, या तो लोग SL लगाते हैं या फिर SO लगाते हैं, तो इसलिए गलत हो जाता है। पेडिस्ट्रिन, पैदल पार पथ जो होता है, तो पेडिस्ट्रिन में भी ध्यान क्या रखना है आपको कि टी के बाद RIAN होता है, लास्ट में बच्चे गलत करते हैं, शुरू में तो लगभग ठीक ठाक हो जाता है सबका। ठीक है, और मिसचीवियस, शरारती, इसकी स्पेलिंग भी ध्यान रखिएगा। लग्जरियस, ठीक है, सुपरफ्लुअस, ठीक है, और ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग भी बहुत ज़्यादा गलत की जाती है, तो ब्यूरोक्रेसी को देखो कैसे ध्यान रखना कि BURREAU होता है, BURREAU। ठीक है, उसके बाद क्रेसी, वो तो आता है आपको। ठीक है, एक्सपेक्टेशन, तो एक्सपेक्टेशन भी आप ध्यान रख सकते हैं अच्छे से। रेस्टोरेंट, ये भी बहुत ज़्यादा गलती है, रेस्टोरेंट भी लोग क्या करते हैं लास्ट में RENT लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, RANT होता, RESTAURANT। ठीक है, कैचअप, ये तो पता है आपको। एक्नोलेज, ठीक है, एक्नोलेज भी आप याद रख सकते हैं और याद रखिएगा, अच्छा रहेगा। सुपरिंटेंडेंट की स्पेलिंग भी बहुत ज़्यादा गलत की जाती है, देखो SUPER, सुपर तो आपको लिखना आता है, फिर INTENDENT होता है। ठीक है, कई बार क्या करते हैं ANT लास्ट में DANT कर देते हैं, वो गलत होता है, DENT होना चाहिए। ठीक है, एट्थ की स्पेलिंग देखो, ये भी खूब गलत की जाती है, EIGHTH होता है। ठीक है, लोग टी के बाद भी TH लगा देते हैं। वो पोटैटोज की स्पेलिंग भी गलत करते हैं लोग, तो पोटैटोज का भी आप लोगों को ध्यान रखना है, POTATOES। ठीक है, कमेटी की स्पेलिंग COMMITEE। ठीक है, और सेटेलाइट में SATELLITE। ठीक है,
तो इसका भी ध्यान रखना, ये भी गलत कर लेते हैं लोग। तो ये 40 स्पेलिंग्स थे इस तरीके से, ठीक है, विद आंसर्स। तो आपको और भी ऐसे में थोड़ा थोड़ा बीच बीच प्रोवाइड करता रहूँगा, ज़्यादा लंबी वीडियोज़ नहीं बनाऊंगा, ऐसे छोटी छोटी वीडियोज़ बना के, ताकि आपको नॉलेज मिलते रहे, आप भी इंटरटेन करते रहे, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे कुछ ना कुछ मटेरियल आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिलते रहेंगी जो आपको लाइफ में हेल्प करेंगे आपको, ठीक है। चलिए ओके, नेक्स्ट वीडियो के में मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है ओके, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।